जितने लोग ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण का भजन करने आते हैं, हम उनसे कहेंगे जिंदगी में एक बार देवी भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण पढ़कर देखना कि ब्रज की रज में आप आए हो। अगर ब्रज की रज में आकर आप केवल बिहारी जी का दर्शन कर ठाकुर जी का दर्शन कर चले गए, फिर आए, फिर दर्शन कर चले गए, और जिंदगी में एक बार भी ब्रज की रज में आने के बाद किसी शंकर के मंदिर में भूतेश्वर, गोपेश्वर, अश्वेश्वर, ऐसे शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं इस ब्रज की धरा पर अलग अलग शिवालय बने हुए हैं। कभी जिंदगी में आओ, ब्रज की रज में आने के बाद खाली मत जाना। एक लोटा जल ब्रज की रज में जो महादेव विराजमान है, कहीं शंकर का मंदिर हो पूरी ब्रज की रज में, कहीं शिवालय हो ब्रज की रज में, एक लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ाकर और मेरे बिहारी जी को प्रणाम कर जाना। ये झोली खाली नहीं, भर कर लेकर आओ। जैसे तिरुपति जाने वाले कपिलेश्वर महादेव का दर्शन कर अगर नहीं आए, मेरा वेंकटेश बाबा, मेरा तिरुपति का बालाजी उसकी झोली में नहीं देता जब तक वो कपिलेश्वर का दर्शन नहीं कर लेता। नाथ द्वारा जाने वाले श्रीनाथ जग का दर्शन कर आते हैं, श्री जी बाबा का दर्शन करने आते हैं, जब तक वो एक लिंग जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक मेरा नाथ द्वारा वाला श्री जी बाबा भी नहीं देता। उसी तरह जो ब्रज की रज में आते हैं और इस रज में जो शिवालय हैं, इस रज में जो शंकर के मंदिर हैं, इस रज में जो शंकर का स्वरूप मेरा बाबा ओघड़दानी तब साधना में लीन है, उस पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो मेरे बांके बिहारी भी उसकी झोली में नहीं देते। ये दोनों